ये सारा सेवा आपको मिली थी और ये सारे कर्तव्य कर रहे थे आप लोग पाप के लिए. तो ये सेट के मैन आई ऑन द स्ट्रीट आई फील लाइक अ फ्लाइंग. जब हम स्ट्रीट पे जाते थे तो हमें लगता था कि आई एम द मोस्ट पावरफुल पर्सन. यानी इतनी इसमें खुशी मिलती थी और इतना श्रीला प्रभुपाद की एक हमें ताकत मिल जाती थी. हमें लगता था हमसे ज़्यादा कोई पावरफुल इंसान नहीं है दुनिया में. यस सो पावरफुल. हमें लगता था हम हवा में उड़ रहे हैं जब हम स्ट्रीट पे जाते थे और किसी को बुक देकर आते थे. तो वो दिन सबसे बड़ा दिन होता था. दैट इज़ अ बिग डे ऑफ अ लाइफ. तो ये एक बहुत अच्छा अनुभव है जो कि हमें समझना चाहिए इस अनुभव को. और हमारे यहाँ परिस्थिति थोड़ी सी डिफरेंट है. तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये है कि हम किसी को अगर कोई गिफ्ट देना है हम गिफ्ट में क्या करते हैं. लोग इवन शादी वगैरह भी होती है या किसी को क्या देते हैं, कोई ड्रेसेस देंगे, कोई परफ्यूम्स देंगे. तो उसमें हमें बुक ऐड करनी चाहिए. ये प्रभु जी ने कहा कि आप ये एक तो काम करें. दूसरा आप ये काम करें कि मंथली बेसिस पर किसी ने अगर कोई बुक कहीं पर भी डिस्ट्रीब्यूट की है तो उस डिवोटी को मोटिवेट करें. उसका नाम आप जो है वो अनाउंस करें कि हर हफ्ते जो है किसके डिवोटी ने कितनी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर ली हैं. तो इस तरह क्या होगा, बाकियों को भी उत्साह मिलेगा और जो स्टोरिंग है बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, वितरण की, वो अच्छी चलती रहेगी. श्रीला प्रभुपाद बहुत 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 उन्होंने इस चीज़ पे एम्फसाइज किया है कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन से पूरे संसार के अंदर, विश्व के अंदर शांति मिलेगी और वेलनेस आएगी. सब अच्छे से रह सकेंगे, राम राज्य हो सकता है. तो इसमें स्मॉल साइज बुक्स भी होती हैं और लार्ज साइज बुक्स भी होती हैं. अच्छा, यूरोप वगैरह में क्या होता है, कॉम्पिटिशन चलता है. स्मॉल साइज की स्टोरी डिफरेंट होती है. स्मॉल साइज बुक्स कौन कौन सी होती है कोई बताएगा नाम, किसी को याद है स्मॉल साइज बुक्स? एनीवन, वैक्यूम बॉर्ड.